हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर चैनल। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक्सरा कैसे रीड करते हैं या कैसे उसमें कोई इशू डिटेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड, ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं या मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। वैसे इस वीडियो को नॉर्मल स्टूडेंट भी देख सकते हैं, क्योंकि हम इस वीडियो में इतनी टर्म यूज़ करने वाले नहीं हैं। हम आपको सिंपली वे में आपको बताएंगे कि आप एक्सरा कैसे देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपको चार एक्सरे दिखाएंगे, जो कि सिंपली चार जो नॉर्मल इशू होता है वो चारों आपको इसमें दिखाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, पहला जो एक्सरे है ये नॉर्मल एक्सरे है, आप देख सकते हैं। इसमें नीचे देखिए आप, इसमें सबसे पहले ये होते हैं सीपी एंगल्स, जो आपको दिख रहे होंगे नीचे से नुकीले हैं। ये नुकीले जो होते हैं ये नॉर्मल एक्सरे में बिल्कुल आपको नुकीले दिखाई देंगे। और ऊपर आपकी ये स्टर्नम है ये यहाँ पे, और ये आपका हार्ट की शैडो दिख रही है आपको। तो फ्रेंड, इसमें कोई भी इशू नहीं है, ये बिल्कुल एक नॉर्मल एक्सरे है, जिसमें ये आपकी रिब्स दिख रही हैं जाती हुई। और ये जो होते हैं नीचे सीपी एंगल्स होते हैं, जो आपके नुकीले होते हैं, इस तरह से बिल्कुल इररेगुलर नहीं होते हैं, बिल्कुल रेगुलर होते हैं इनमें। तो ये एक तरह आपका बिल्कुल नॉर्मल एक्सरे है। तो अब इसे आप देख सकते हैं। अब हम आपको नेक्स्ट एक्सरे दिखाते हैं, जो कि इस तरह है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें कितना अंतर है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इधर तो दिख रहे होंगे आपको ये नुकीले एक साइड है, लेकिन एक साइड आपको बिल्कुल वाइट कलर दिख रहा है, यानी कि इसमें पानी भरा हुआ है, जिसे कि हम प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। यहाँ तक पूरा वाटर इसमें भरा हुआ है, पूरा यहाँ तक वाटर भरा हुआ है। और एक तरह का कुछ सीपी एंगल कुछ दिख रहा है, लेकिन इधर पूरा वाटर इसमें भरा हुआ है। तो फ्रेंड, इस कंडीशन को कहते हैं प्लूरल इफ्यूजन, यानी कि इसमें पानी भर जाना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरे की। देखिए फ्रेंड, हमारा ये नेक्स्ट एक्सरे है, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि इसमें सीपी एंगल्स तो हमारे ठीक है, नीचे दोनों तरफ सीपी एंगल्स ठीक है, बाकी हमारा लंग्स भी, जो हार्ट भी हमारा सही है, हार्ट की शैडो भी सही है। लेकिन इसमें आपको ये पैचेस जो दिख रहे होंगे, ये सब पैचेस जो हैं ऊपर तक, ये देखिए जगह जगह इसमें पैचेस जो दिख रहे हैं आपको। तो फ्रेंड, ये जो कंडीशन होती है इसे मैक्सिमम टीबी कहा जाता है, क्योंकि इंडिया में टीबी कॉमन है। तो ये अक्सर टीबी में ऐसा होता है कि आपको यहाँ पे पैचेस आपको दिखाई देते हैं कई सारे। तो फ्रेंड, ये कंडीशन टीबी की है, आप देख सकते हैं। आप इसकी कंपेयर एक बार हमारा ओरिजिनल एक्सरे जो है नॉर्मल एक्सरे उससे कंपेयर कर सकते हैं। देखिए, इसमें सीपी एंगल्स भी बराबर हैं, हमारा जो है हार्ट भी बिल्कुल सही है, और यहाँ पे देखिए ऊपर आपको जो पैचेस दिख रहे थे उससे क्लियर हो रहा है कि ये टीबी की कंडीशन है। अब आगे चलते हैं फ्रेंड, ये हमारा नेक्स्ट एक्सरे है। तो फ्रेंड, ये क्रोनिक टीबी हो गया है। इसमें देखिए, ये काफ़ी पुराना टीबी है, आप देख सकते हैं। इसमें पूरे चेस्ट में जो है आपको पैचेस दिख रहे होंगे, इस तरह से पूरे चेस्ट में पैचेस हैं। तो ये लगभग इसे एक साल से ऊपर हो गया होगा टीबी जो पेशेंट होगा, इसलिए उसके पूरे चेस्ट में टीबी फैल चुका है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। अब नेक्स्ट है, देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट में क्या है, इसमें सीपी एंगल्स पहले चेक करते हैं हम। तो हमारे सीपी एंगल्स बिल्कुल ठीक हैं, नुकीले हैं, यानी कि इसमें पानी भरा हुआ नहीं है। हमारा जो हार्ट है वो भी बिल्कुल इजेक्ट पोजीशन पे है, और इसमें स्टर्नम भी सही है, और इधर कोई पैचेस भी नहीं है। लेकिन हम अगर ऊपर आते हैं तो देखिए फ्रेंड, इधर इसमें देखिए एरिया में एक पैच दिख रहा है आपको। तो फ्रेंड्स, ये जो होता है ये आपका कैंसर होता है, जो आपको अगर एक पैच दिखाई देता है सिंगल या डबल या मल्टीपल होते हैं, लेकिन ये कैंसर का साइन होता है, यानी कि इस पेशेंट को कैंसर है। तो इस तरह आप जो है चेस्ट एक्सरे को डिटेक्ट कर सकते हैं, इसमें क्या इशू है। तो फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। और आपको कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग, वीडियो के रिगार्डिंग, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको बताएंगे। तो फ्रेंड, मिलते हैं अगली वीडियो में। आगे हम आपको इस तरह की वीडियो बना के देते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।